हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। टुडे वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंट केस लॉ इंडियन पिनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता के आज हम बहुत महत्वपूर्ण जजमेंटों के बारे में जानने वाले हैं। जो ये जो वीडियो है ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट सेकेंड हमें पार्ट थर्ड हमें आगे मिलेगा। तो सबसे पहले पार्ट वन में हम कौन कौन से जजमेंट के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए हम देखते हैं। टोटल 10 जजमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला केस आता है नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ, 2013 का ये मामला है, जिसके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की सेक्शन 377 को संवैधानिक घोषित किया था और उसे वैलिड माना। लेकिन इसी बात को फिर चैलेंज किया गया नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में 2018 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जजमेंट दिया नाज फाउंडेशन के मामले में उसको पलट दिया, आईपीसी की सेक्शन 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया था इस केस के माध्यम से, क्योंकि ये जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में पाया गया, इस आधार पर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया गया। लेकिन सिर्फ पार्ट वन को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया है कि यदि कोई मेल और मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो कर सकते हैं, वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई मेल यानी कि पुरुष या महिला किसी जानवर के साथ करती है, कोई जानवर के साथ कोई अननेचुरल ऑफेंस आप करते हैं तो आप अपराध करते हैं, ऐसा माना जाएगा। लेकिन जो इसका फर्स्ट क्लॉज है उसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया इस केस के माध्यम से। तीसरा केस आता है नालसा वर्सेस भारत संघ। नालसा वर्सेस भारत संघ का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किन्नरों के संबंध में है। किन्नरों को हमने थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई इस केस के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि उन्हें भी वही अधिकार होंगे जो एक नॉर्मल इंसान को होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति को होते हैं, नॉर्मल सिटीजन को होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइन इसके अंदर जारी की। सबसे पहले गाइडलाइन हम बात करें तो एग्जाम फॉर्म के अंदर थर्ड जेंडर का कॉलम आना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। दूसरा एक और बताया कि उन्हें भी संरक्षण जो मिलता है या आरक्षण जो मिलता है उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी राइट्स होना चाहिए, उनकी भी लाइबिलिटीज होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था। इसके बाद फोर्थ केस आता है जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ का मामला है 2018 का। इसमें हमने एडल्ट्री जो आईपीसी की सेक्शन 497 में अपराध घोषित किया गया है उसको हमने अमान्य किया, यानी कि उसको अब अपराध के रूप में मान्य नहीं कर सकते, और लेकिन विवाह विच्छेद का आधार प्रदान कर सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं कि यदि कोई महिला एडल्ट्री में रहती है तो उस दशा में उसे एक डाइवोर्स का ग्राउंड हम बना सकते हैं, इसके आधार पर डाइवोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इस केस में एक बहुत स्टेटमेंट एक दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि पति पत्नी का मास्टर नहीं हो सकता, पत्नी पति के अकॉर्डिंग ही काम करे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। उसका फंडामेंटल राइट है कि वो राइट टू लाइफ उसके पास है, वो जैसे चाहे वैसे जी सकती है, इसलिए हमने इस केस के माध्यम से एडल्ट्री को अपराध घोषित नहीं किया, इसको हमने अपराध के रूप में हटा दिया। फिफ्थ केस आता है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि सायरा बानो वर्सेस भारत संघ का मामला जो ट्रिपल तलाक के नाम से फेमस है। ट्रिपल तलाक को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया कि ट्रिपल तलाक जो है अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम है तीन बार तलाक कह के किसी को तलाक नहीं दे सकता, ऐसा हमने मना किया। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये बताता है संज्ञेय अपराध में कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखने के निर्देश दिए गए, यदि कोई पुलिस वाला संज्ञेय मामले में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करता है, नहीं लिखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की सेक्शन 166A इसके संबंध में अपराध बताती है कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई पब्लिक ऑफिसर यदि इस तरीके के लॉ के प्रोविजंस को मानने से मना करता है तो उसको वहां पर पनिशमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट केस हमें मिलता है सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ये संबंधित है सेक्शन 494 आईपीसी से, जो हमें बायगेमी का अपराध बताता है। यदि एक हिंदू पति इस्लाम धर्म अपना लेता है और पुनः विवाह कर लेता है तो भी वह दो विवाह का दोषी माना जाएगा, क्योंकि हिंदू में हिंदू होने के नाते वो एक ही विवाह कर सकता है, लेकिन मुस्लिम में चार मैरिज करना वैलिड है। तो उसने क्या किया, एक हिंदू पति ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और उसके अकॉर्डिंग उसने विवाह कर लिया पुनः, तो ऐसा करना क्या बायगेमी माना जाएगा? हाँ बिल्कुल माना जाएगा। यदि आपने धर्म परिवर्तन विवाह करने के उद्देश्य से किया है तो आपके द्वारा किया गया कार्य सही नहीं माना जाएगा, आपका धर्म परिवर्तन के आधार पर चार मैरिज करना वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको बायगेमी के लिए दोषी माना जाएगा। 8 नंबर केस आता है सेव
लाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। सेक्शन 166B से इसका संबंध है, आईपीसी की सेक्शन 166B। क्या है इसका, इस केस में क्या बोला गया, पीड़ित को उपचार दिलाने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया इस केस के माध्यम से। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको उपचार कराता है, तो पुलिस वाले उसे परेशान नहीं करेंगे, उससे कोई पूछताछ नहीं करेंगे, और पूछताछ करेंगे भी तो उसके पर्टिकुलर प्लेस पर जाके करेंगे, उसको बार बार नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा इस केस में बोला गया। समरी 10 लॉ जैसे हम बोलते हैं, इसी केस में पास किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, तो आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है इस केस में हमें बताया गया। इस केस का संबंध आईपीसी के सेक्शन 53 और सेक्शन 57 से है। आजीवन कारावास का अर्थ होता है मृत्यु तक जेल में, यानी कि जब तक उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए किसी व्यक्ति की, तब तक उसे जेल में रहना होता है। लेकिन जब भी आजीवन कारावास की गणना करनी हो तो उसका मतलब कितना रहेगा, तो उसके बारे में सेक्शन 57 आईपीसी में बताता है कि उसको 20 वर्ष के बराबर माना जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में रहता है, आप जनरली यह व्यक्तियों से पूछेंगे कि आजीवन कारावास का मतलब क्या है, तो 20 वर्ष बताते हैं, लेकिन 20 वर्ष नहीं होता। आजीवन कारावास का मतलब होता है मृत्यु तक जेल में रहना। इसका 10th नंबर का केस आता है बच्चन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इसमें हमने क्या किया, बच्चन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य का संबंध जो है सेक्शन 53 और 302 से है आईपीसी से। इसमें बताया गया मृत्यु दंडादेश सिर्फ और सिर्फ विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जा सकता है, साधारण परिस्थितियों में नहीं। तो जो रेयर से रेयरेस्ट जो मामले होते हैं, सिर्फ उनमें ही मृत्यु दंडादेश दिया सकता है। आप नॉर्मल कंडीशन में किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश नहीं दे सकते। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉल करके, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। और हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, एमपी सिविल जज फास्ट ट्रैक बैचेस रनिंग में हैं। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को नीचे दी गई लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको ये ग्रुप की इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।